जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 31 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 31 के बारे में, ठीक है। और आज जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक चल रहा था भी आपका आयताकार विभव रोधिका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की कंडीशन चल रही थी, पार्ट सेकंड चल रहा था। क्या पार्ट सेकंड क्या बताता है भी, वहाँ पे जो कोई पार्टिकल लिया गया है उसकी एनर्जी सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज़्यादा है, उस कंडीशन के अंदर अपने क्या है भी परावर्तन गुणांक की वैल्यू को क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। उसके बाद में अपने क्या है भी पारगमन गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर बताएंगे भी इस आयताकार विभव रोधिका के विभव क्षेत्र में कोई कण क्या है भी गति करता है तो उस कण का क्या होता है भी परावर्तन होता है या पारगमन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से जो के स्क्वायर की वैल्यू थी वो क्या है भी आपकी 2mE/h²। ये तो क्या थी भी आपकी के स्क्वायर की वैल्यू थी, और K1² की क्या आई भी आपकी 2mE-V0/h²। के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भी आपकी, ये थी 2mE/h²। K1² की वैल्यू क्या थी, 2mE-V0/h²। अब यहां पे ये दोनों फैक्टर की तो वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, K²-K1² क्या हो जाएगा भी आपका 2mE/h²-2mE/h²+2mV0/h²। तो यहां से 2mE/h², ये तो क्या हो जाएगा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कौन सा फैक्टर बचेगा, 2mV0/h²। और आपका K² और K1² का मल्टीप्लिकेशन क्या प्राप्त होगा, K² और K1² का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या प्राप्त होगा, 2 × 4 m² 2 × 4 m² E-V0 2 × 4 m² E-V0 h²² की स्क्वायर। ये चीज क्या है भी आपकी प्राप्त होती है। अब क्या है भी इन फैक्टरों की वैल्यू क्या है भी कंडीशन के अंदर पुट कर दो R के अंदर, क्या रिजल्टेंट प्राप्त होगा भी आपका, R क्या है भी आपका K²-K1 की स्क्वायर की स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा भी आपका 4mV0 करिएगा स्क्वायर, 4m²V0² अपॉन h² की स्क्वायर की स्क्वायर, यही आएगा आपका। यही आएगा ना आपका, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, r की, 4m²V0² h² की स्क्वायर की स्क्वायर, और आपका sin²K1A, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा भी आपका, या तो आप थोड़ा सा और सॉल्यूशन करो तो इसको आप और भी सोल्व कर सकते हो, आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। इजी किस प्रकार से हो जाएगा, अभी आप इसकी वैल्यू पुट करने से पहले आप थोड़ा इस प्रकार से चेंज कर दो भी आप आर यहां से क्या भी ये फैक्टर कॉमन ले लो, यहां से क्या भी ये फैक्टर कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा भी एक बार स्टेप लिख देता हूं, K²-K1² की स्क्वायर sin²K1A, नीचे क्या है भी यही फैक्टर कॉमन ले लिया, K²-K1² की स्क्वायर sin²K1A 1+4K²K1² K²-K1² की स्क्वायर sin²K1A, ये आ जाएगा भी आपका, यही होगा आपका कॉमन लेंगे तो। इस टर्म से इस टर्म कैंसिल हो गई, तो R इक्वल टू क्या आ गया अभी, 1/1+4K²K1²
के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी आ जाएगी। 1 प्लस 4 के स्क्वायर के वन स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की स्क्वायर और साइन स्क्वायर के वन ए, ये चीज क्या है भी आपकी आ गई। अब क्या है भी यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 1 अपॉन 1 प्लस 4 के स्क्वायर के वन स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका 4 एम स्क्वायर ई e माइनस वी जीरो और आपके एच कट स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की स्क्वायर वो क्या हो जाएगी भी आपकी 4 एम स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर अपॉन एच कट की स्क्वायर की स्क्वायर और आपकी साइन स्क्वायर के वन ए, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब 4 से 4 एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, इससे क्या है भी ये कैंसिल, तो आपकी क्या टर्म रह जाएगी भी यहां पे आर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 4 ई माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के वन ए, ये टर्म क्या है भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस 4 ई माइनस ई जीरो अपॉन वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के वन ए, तो आपके आर फैक्टर की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी आपके 1 प्लस 4 ई माइनस वी जीरो वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के वन ए माइनस 1। आर इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका, ऊपर चली गई पावर माइनस 1 हो गया। आर इक्वल टू 1 प्लस 4 ई माइनस वी जीरो अपॉन वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के वन ए की माइनस 1। ये था भी आपका परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या हो गई भी आपकी फाइंड हो गई। अब अपने डिस्कस करते हैं भी पारगमन गुणांक के बारे में, किसके ऊपर डिस्कस करते हैं भी अपने पारगमन गुणांक के बारे में, वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। पारगमन गुणांक के बारे में वो डिस्कस क्या होगा अभी आपका, पारगमन गुणांक क्या होता है अभी आपका, ट्रांसमिशन कोफिशियंट जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। पारगमन गुणांक क्या होता है अभी आपका, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, टी का जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी भी आपकी, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका, पारगमन गुणांक कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी आपकी, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका, पारगमन गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेटी और जेआई। ठीक है, अब आपका ये ही डायग्राम था ना, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन और आपका थर्ड रीजन, यहां से क्या है भी कोई पार्टिकल पर, यहां पे वी जीरो वेलोसिटी थी, यहां पे वी एक्स क्या था भी आपका जीरो था, यहां पे वी एक्स क्या था भी आपका जीरो था,
ठीक है। अब यहाँ पे तरंग संचरण नियंत्रण के था, यहाँ पे तरंग संचरण नियंत्रण के था, ये तो होगी भी आपकी आयतित, इसका आयाम ए है, ये होगी भी आपकी परावर्तित, इसका आयाम क्या है भी बी है, और ये होगी भी आपकी पारगमित, जिसका आयाम क्या है भी आपका सी है। आपका जो यहां से आएगा रिजल्टेंट वो क्या जाएगा भी आपका सी स्क्वेयर अपॉन ए की स्क्वेयर, यही चीज आएगी आपके जो आपने पारगमन गुणा पीछे वाले लेक्चरों के अंदर पोटेंशियल स्टेप के अंदर क्या है भी इसके बारे में अपने क्या है भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं भी। यहाँ पे तरंग संचरण नियंत्रण क्या है भी के है, और यहाँ पे भी तरंग संचरण नियंत्रण क्या है भी आपका के है, यहाँ पे क्या है केवल है। यदि दोनों सेम तरंग संचरण नियंत्रण है तो यहाँ पे कोई फैक्टर प्राप्त नहीं होगा, वो कैंसिल आउट क्या हो जाएगा भी अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब उससे आगे देखिएगा आप, अब क्या है भी आप उससे आगे देखिएगा भी ये क्या हो जाएगा भी आपका सी वाई ए की वैल्यू आपने फाइंड की होगी, सी वाई ए की वैल्यू जो आपके सामने क्या प्राप्त हुई है भी 2J KK1 e की पावर माइनस जे के ए, 2J KK1 e की पावर माइनस जे के ए, और नीचे क्या था भी आपका के स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर साइन K1 ए प्लस 2JKK1 कोस K1 ए, ये चीज थी भी आपके सी वाई ए की वैल्यू 2JKK1 e की पावर माइनस जे के ए, और नीचे क्या भी के स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर साइन K1 ए प्लस 2JKK1 कोस K1 ए, ये चीज क्या थी भी आपकी, एक बार और चेक कर लेते हैं, नहीं बाद में क्या है भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब ये आगे भी वैल्यू, अब क्या निकालना है भी आपको, इस फैक्टर की वैल्यू निकालती है, तो टी क्या होता है भी आपका, ये इसको लिख सकते हैं सी स्टार सी अपॉन ए स्टार ए, यही लिख सकते हैं भी, ये जो आपका फैक्टर है वो क्या है भी आपका सी फैक्टर है, और ये जो आपका फैक्टर है वो क्या है भी आपका ए फैक्टर है, ठीक है। ये जो फैक्टर है वो आपका सी फैक्टर है, ये नीचे वाला फैक्टर है वो क्या है भी आपका ए फैक्टर है, तो अपने क्या कह सकते हैं भी इसका कंजुगेट लेना है भी आपको, क्या है भी जो कंजुगेट का मतलब क्या हो जाएगी भी आयटा वाली टर्म क्या भी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां पे जे लिया गया तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 2 J आयटा वाली टर्म है जे नेगेटिव आ गया K1 e की पावर है, और ये आयटा वाली टर्म है तो जे के ए, ये क्या हो जाएगा भी इस प्रकार से हो जाएगा भी, इसका कंजुगेट अपने क्या है भी ले लिया, और आगे वाली टर्म सी वो सेम की सेम आ जाएगी 2JKK1 e की पावर जे के ए, ठीक है 2JKK1 e की पावर जे के ए, और ये टर्म क्या है भी आपका, एक तो ये आ गया भी कंजुगेट पार्ट, और एक क्या आ गया भी आपका सीधा सी आ गया। नीचे वाली टर्म लिख लो आप, के स्क्वेयर प्लस K1 स्क्वेयर साइन K1 ए प्लस नहीं आएगा, कंजुगेट लेना है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा भी आपका माइनस आ जाएगा, माइनस 2JKK1 कोस K1 ए, ये चीज आ गई भी आपके,
के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए माइनस टू जे के वन कोस के वन ए, और इधर मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए, और यहां पे प्लस टू जे के वन कोस के वन ए, ये चीज आ जाएगी भी आपके, यही चीज प्राप्त होती है भी आपके। अब क्या है भी आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन टी क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, दो दुनी चार जे स्क्वेयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस के स्क्वेयर और के वन स्क्वेयर, ये ही होगा आपका फोर के स्क्वेयर और के वन स्क्वेयर, और आपका e की पावर जे के ए और e की पावर माइनस जे ए के वन हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो अपने, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट को क्या है भी आप सोल्व कर लो, नीचे वाला पार्ट क्या है भी किस प्रकार से सोल्व होगा, एक फॉर्मूला होता है भी आपका ए प्लस बी और a माइनस बी किसके कुल होता है भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a प्लस बी और a माइनस बी किसके कुल होता है भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका के स्क्वायर प्लस के वन की स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर प्लस के वन की स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, और माइनस जे स्क्वायर क्या हो जाता है भी आपका माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका प्लस दो दुनी चार के स्क्वायर के वन स्क्वायर कोस स्क्वायर के वन ए, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी आ जाएगी। पीछे वाले जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने अच्छे तरीके से क्या है भी इसको डिस्कस किया भी था, ठीक है। और अब क्या करेंगे भी अपने, टी फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर, अब क्या होता है भी आपका स्ट्रम को क्या है भी आप खोल दो, क्या हो जाएगा भी आपका खोलो तो खोल दो, और वैसे कोई जरूरी भी नहीं है, और चलो भी अपने खोल ही देते हैं, के फोर प्लस के वन फोर टू के स्क्वेयर के वन की स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के वन ए प्लस फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स, क्या होता है भी आपका यही होता है ना भी, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन होता है, तो कोस स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा भी आपका वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी आपका वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर के वन ए आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिएगा भी आप टी इक्वल टू फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर अंदर क्या है भी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा भी, एक बार आप अंदर लिखी दो भी के फोर प्लस के वन की फोर साइन स्क्वेयर के वन ए प्लस टू के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के वन ए प्लस फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, तो फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर के वन ए, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं भी, फोर के स्क्वेयर के वन स्क्वेयर
और यहां से क्या आ जाएगा भी आपका के फोर के वन की फोर साइन स्क्वायर के वन ए के की फोर प्लस के वन की फोर साइन स्क्वायर के वन ए और यहां से क्या हो जाएगा भी चार में से इस फैक्टर में से क्या भी ये फैक्टर गया आपका बचेगा क्या भी माइनस टू के स्क्वायर के वन स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए ठीक है प्लस फोर के स्क्वायर के वन की स्क्वायर तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका फोर के स्क्वायर के वन की स्क्वायर और आपका ये आ जाएगा अभी के फोर प्लस के वन की फोर माइनस टू के स्क्वायर के वन की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए प्लस फोर के स्क्वायर के वन की स्क्वायर तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका फोर के स्क्वायर के वन की स्क्वायर और यहां पे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी आपका के स्क्वायर माइनस के वन की स्क्वायर के की फोर प्लस के वन की फोर माइनस टू के स्क्वायर और के वन की स्क्वायर और यहां से क्या आ जाएगा अभी आपका साइन स्क्वायर के वन ए प्लस फोर के स्क्वायर के वन की स्क्वायर ये चीज आ गई भी आपकी टी की वैल्यू क्या गई भी आपकी ये टी फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई ठीक है अब अपने क्या करते हैं भी यहां पे जो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर क्या है भी जो आपके फैक्टर पुट करने थे उन फैक्टरों को क्या है भी पुट कर देते हैं तो टी की वैल्यू को आप थोड़ा सा सॉल्यूशन और करेंगे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आपका ये भी लिख सकते हैं भी अपने इस प्रकार से भी इसको ठीक है अब यहां पे वन आएगा भी यहां से क्या भी इस फैक्टर को ऊपर कॉमन ले लिया इसमें से इसको कॉमन ले लिया ये इसके क्या हो जाएगा भी भाग के अंदर आ जाएगा अब यहां पे जो आपकी वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर देते हैं क्या क्या वैल्यू थी भी आपकी के स्क्वायर क्या था अभी आपका 2m e अपॉन h कट स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर क्या था अभी सॉरी के वन स्क्वायर क्या था अभी आपका 2m e e माइनस v0 अपॉन h कट स्क्वायर ठीक है अब सॉरी ये नहीं था अभी ये था आपका बाय मिस्टेक के स्क्वायर क्या था अभी 2m e अपॉन h कट स्क्वायर के वन स्क्वायर क्या था अभी आपका 2m e माइनस v0 अपॉन h कट की स्क्वायर और आपका के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी आपका यहां से बचेगा क्या अभी आपका 2m v0 अपॉन h कट की स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी आपका 2m v0 अपॉन h कट की स्क्वायर और आपका k स्क्वायर k1 स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका 2 दुनी 4 m स्क्वायर 2 दुनी 4 m स्क्वायर e माइनस v0 और आपका h कट की स्क्वायर की स्क्वायर यही हो जाएगा भी k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका 2 m v0 अपॉन h कट की स्क्वायर ठीक है और के स्क्वायर इंटू के वन स्क्वायर क्या हो जाएगा भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अब क्या जो हमारे सामने ये जो वैल्यू प्राप्त होती है ये रुक दो टी वाले फैक्टर के अंदर तो क्या जाएगा भी आपका वन प्लस के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी आपकी फोर एम स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर एच कट की स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर
K1A अपॉन 4 एम स्क्वायर ई माइनस वी जीरो और साथ में एच कट की स्क्वायर की स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगी एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, 4 से 4 और आपका क्या बच जाएगा t इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1A और आपका 4e माइनस वी जीरो, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी आ गई, ठीक है। और इस फैक्टर को क्या है भी आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1A 4e माइनस वी जीरो माइनस 1 प्लस वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर K1A 4e माइनस ई जीरो की पावर क्या है भी माइनस 1। तो आपका क्या है बी आर प्लस टी क्या हो जाएगा आर प्लस टी अपॉन में लिख लो, ये ही टर्म है ना आपके 1 प्लस 4e माइनस वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A, ये ही टर्म है आपके। और प्लस टी की वैल्यू क्या है भी आपकी 1 प्लस वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A और आपकी 4e माइनस वी जीरो आर प्लस टी क्या हो जाएगा भी आपका 1 अपॉन वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A और वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A प्लस 4e माइनस वी जीरो, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा भी आपका 4e माइनस वी जीरो और 4e माइनस वी जीरो प्लस वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A, ये चीज आ जाएगी भी आपकी। अब क्या है भी आर प्लस टी करेंगे, ये ऊपर टर्म चली जाएगी वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A और वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A प्लस 4e माइनस वी जीरो प्लस 4e माइनस वी जीरो प्लस वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर K1A और अब ऊपर क्या चला जाएगा 4e माइनस वी जीरो और इसका आप लघुत्तम लोगे तो r प्लस टी की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 1 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अपने इस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं, वैसे इसके ग्राफ के बारे में कल डिस्कस करेंगे, यदि आपके कंडीशन ई ग्रेटर देन वी जीरो है तो भी यहां पे इस विभव व्यायताकार विभव रोधिका के विभव क्षेत्र के अंदर कोई कण प्रवेश कर रहा है तो वहां पे यदि उसकी एनर्जी सेकंड रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उससे अधिक है तब भी आपका क्या होगा, ये बात शो करता है भी क्वांटम मैकेनिक्स भी परावर्तन भी होगा और पारगमन भी होगा क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू क्या होती है भी प्राप्त होती है। और अपने डिस्कस करते हैं कल वाले लेक्चर के अंदर।